नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्टिस 44 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आपका भी कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड हाल ही में डिलीवर हुआ है और आप अपने क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करके अपने कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना चाहते हैं, उसे यूज में लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप फर्स्ट टाइम अपने क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप फर्स्ट टाइम अपने कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड का पिन सेट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आज को अपने मोबाइल स्क्रीन पर और मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आपको कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसके बाद यहां पर आपको टाइप करना है kotak.com। इतना आपको टाइप करना है, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो रिजल्ट में सबसे पहले शो हो जाएगी कुछ इस तरीके से, जैसा कि अब आप देख रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक की जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, जैसा कि अब आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। अब दोस्तों, यहां पर हमें अपने क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करना है, हमें अपने क्रेडिट कार्ड का पिन सेट करना है, तो इसके लिए हमें यहां पर थ्री लाइन्स पर करना होगा क्लिक। देख सकते हैं यहां पर थ्री लाइन्स बनी हुई हैं, यहां पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप इन थ्री लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर कोटक महिंद्रा बैंक के सभी प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, जैसा कि अब आप देख रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा रहेगा कार्ड्स, तो यहाँ पर आपको कार्ड्स पर करना है क्लिक। जैसे आप कार्ड्स पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे लिखा रहेगा जनरेट पिन फॉर ऑल कार्ड्स, तो यहाँ पर आपको करना है क्लिक। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है क्रेडिट कार्ड को, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्रेडिट कार्ड, इसके सामने आपको टैप कर देना है। जैसे आप यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा प्लीज़ एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स, तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने क्रेडिट कार्ड का फुल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको मंथ और ईयर में आपको क्रेडिट कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है उसे आपको सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने क्रेडिट कार्ड का सीवी कोड आपको एंटर कर देना है। क्रेडिट कार्ड का सीवी कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी चॉइस का कोई भी क्रेडिट कार्ड का पिन आपको जनरेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको दोबारा से री एंटर करना है। पिन री एंटर करने के बाद फाइनली आपको सबमिट वाले बटन पर आपको कर देना है क्लिक। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबमिट का बटन आपको मिल जाएगा सबसे नीचे, यहाँ पर आपको सबमिट वाले बटन पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से एक ओटीपी आ चुका है, तो मैं इस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ओटीपी को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको फाइनली सबमिट वाले बटन पर कर देना है दोबारा से क्लिक। जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली आपका क्रेडिट कार्ड का जो पिन है वो जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर मेरे क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप फर्स्ट टाइम कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम ऐसी हेल्पफुल वीडियोज अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।